रेडी स्टार्ट। महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि। इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपादेयता को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्वसक्षम होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय गौरव आम जनता की दृष्टि में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है करोड़ों भारतीयों की एकता, और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दासता की द्योतक है। यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखोल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएं तो सहोदराएं हैं, उनमें आपसी कोई विरोध नहीं। उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन क्षेत्रीय भाषाएं अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएंगी, उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उद्देश्य को कभी भी धूमिल होने न दें, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इस दृष्टि से मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का यह कार्यक्रम सराहनीय है कि वह हिंदी के साथ कन्नड़ेतर जिज्ञासाओं के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएं एवं परीक्षाएं चला रही है। अपनी दैनंदिनी से भी हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में दिन और तिथियां दी हैं। इस तरह के छोटे किंतु दिन दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ साथ गलवहियां डालकर चलें, इससे बढ़कर सुखद स्थिति और क्या हो सकती है। और प्रिय स्नातकों, आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा। विगत महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी
परीक्षण की परीक्षाएं दी हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, आपकी दीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाइए। भारतीय भाषा संस्कृति उनकी रक्षा उनका संवर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है। आप दायित्व का निर्वाह कर सकें, जीवन में सफलता पाएं, यही शुभकामना है। जिन्होंने हिंदी प्रवेश हिंदी उत्तमता की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं वे और आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, यही आशा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन्न परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में इस गौरवपूर्ण समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। ब्रह्म।